धर्म का जो लक्ष्य है क्या है? भगवान के भक्ति हमारे अंदर आने, ये धर्म का लक्ष्य होता है। भगवान के प्रति हमारा अनुराग उत्पन्न हो सकता है। तो आप देखिए, पीपल दे कीप फाइटिंग, हाँ, लोग लड़ाई करते हैं कि हमारा धर्म महान है, हमारा धर्म महान है। बट धर्म का उद्देश्य क्या होता है? कि हमारा भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, ये धर्म का लक्ष्य है। श्रील प्रभुपाद इसीलिए बोला करते थे कि अगर आपका धर्म ये पर्पस सॉल्व कर रहा है, अगर आप अपने धर्म को पालन करके भगवान के प्रति प्रेम, गॉड के प्रति प्रेम, अल्लाह के प्रति प्रेम उत्पन्न कर पा रहे हो, तो आपने अपने धर्म का जो गोल है वो प्राप्त कर लिया। और अगर नहीं किया है, फेल हो गया, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लोग लड़ता रहता है मेरा धर्म महान, मेरा धर्म महान, क्या मतलब उसका? पर्पस तो आपने सॉल्व नहीं किया। और अगर आपको आपको खुदा से, गॉड से, भगवान से अगर प्रेम हो गया है, तो उनके बंदों से ऐसे आप नफरत कर सकते हो। सिंपल सी लॉजिक। तो इसीलिए गॉड बाय डेफिनेशन वन, एक ही होता है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। नाम अलग अलग बोलने से क्या हाँ बदल जाएंगे क्या? इसलिए बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचता है कि धर्म बहुत ज्यादा है। कि धर्म जब आप हम बनाने लग जाते हैं ना, तब उसमें डिफरेंसेस दिखते हैं, जैसा भगवान के द्वारा। इसलिए धर्म हमारे और आपकी बनाने की वस्तु नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म जो है वो भगवान के द्वारा बनाया जाता है।